हे यू गाइस, लेट्स प्रिपेयर दही के कबाब, विच इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। अगर आपने नहीं पता है तो आप गौरव कपूर के इंस्टाग्राम में जाके कबाब वाली रील देख लीजिएगा। नाउ लेट्स प्रिपेयर हंकट फॉर दही के कबाब, जिसके लिए मैंने ले लिया है स्ट्रेनर। उस पर मैंने रख दिया है नैपकिन विच इज़ वॉश्ड एंड सैनिटाइज ऑलरेडी, और फिर मैंने इसमें 1 लीटर नॉर्मल दही ऐड किया है, और इसे मैं गुड 10 to 12 hours के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो ये क्या पूरा मॉइस्चर रिलीज़ कर देगा एंड आर हंकट विल बी एब्सोल्युटली रेडी। आफ्टर 10 hours मैंने देखा मेरा हंकट रेडी था। मैंने इसे एक बोल में ले लिया। आई लेड ऑल द स्पाइसेस लाइक सॉल्ट एंड रोस्टेड बेसन और सत्तू, ब्लैक पेपर, ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड आई मिक्स इट ऑल टुगेदर। आई लेड ऑल द थिंग्स इन डिस्क्रिप्शन, डोंट वरी। और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। विस्कर से नहीं हो रहा था, मैंने उठाई चम्मच और घुमा दिया। ज़्यादा ज़ोर से मत घुमाइएगा, वो अगेन मॉइस्चर रिलीज़ करने लगेगा एंड यू विल बी इन ट्रबल। आफ्टर दैट मैंने इसे मिक्स करा, मैंने कबाब बनाने की कोशिश करी पर वो ऑलरेडी मॉइस्चर रिलीज़ कर चुके थे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा चीज़ और पनीर ऐड किया क्योंकि एज अ बाइंडिंग एजेंट एक्ट करते हैं, और इसे मैंने फिर से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। आफ्टर दैट मैंने इसके छोटे छोटे कबाब बनाए और इसे मैंने शैलो फ्राई कर लिया। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, बस ऊपर एक कोटिंग कर देना डीप फ्राई के लिए, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट सम हेल्दियर, यू नो। तो मैंने इसे फिर शैलो फ्राई किया और मैंने कोशिश करी कि मैं एकदम एस्थेटिक तरीके से स्पून से इसे टर्न करूँ, पर ये दही के कबाब है प्लीज़। तो मैंने इसे अपने हाथों से टर्न किया क्योंकि वो नहीं हो रहा था उससे, एंड हाथों से टर्न करने के बाद इसे अच्छे से मैंने शैलो फ्राई कर लिया एंड आर दही के कबाब इज़ रेडी टू सर्व। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, यार फ्री की चीज़ है कर दो। एंड दिस इज़ साक्षी साटी साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।